Namaste and welcome to the channel everybody. This is Himani and I'm back with another video. By the way, इस video का title पढ़के आपको समझ आ गया होगा कि ये video किस topic पे होने वाला है, क्योंकि ये जो topic है ना, I mean आप लोग मुझसे इतनी बारी ये सवाल पूछते हो कि हिमानी इतना travel करती हो, पैसे कहाँ से आते हैं? I mean कहाँ से इतने पैसे आते हैं? जब देखो तब बस ट्रैवल पे होते हो, आपके जैसी हमें भी लाइफ चाहिए. तो यार देखो, लाइफ तो सबकी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अलग होती है. ऑब्वियसली सबकी चैलेंजिंग भी होती है और मेरी भी है वैसे ही. बट मैं कैसे मैनेज करती हूँ इतना ट्रैवल और कैसे मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग करती हूँ, इसके लिए मैं क्या करती हूँ और कैसे मेरा अर्निंग सोर्स क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में ऑनेस्टी के साथ बताने वाली हूँ. हाँ जी, पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ. तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो. हाँ जी, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको बताऊंगी पूरी ईमानदारी के साथ कि मैं कैसे, क्या मेरे अर्निंग सोर्स है, मैं किस तरीके से फुल टाइम ट्रैवल करती हूँ. तो थोड़ा सा बैक स्टोरी पे जाते हैं पहले. तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दूं कि मैं ट्रैवल फुल टाइम स्टार्ट करने से पहले मैं जो थी रेडियो जॉकी थी. मैंने 4 साल एज एन RJ रेडियो जॉकी काम किया एक कंपनी के साथ इन रायपुर छत्तीसगढ़. और फिर उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा पैशन जो है वो ट्रैवल है और मुझे ट्रैवल करना है. वो जॉब के साथ ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था. 9 to 5 पूरा टाइम जॉब होता है आपका, 8 आवर्स का आप नहीं निकल सकते हो. और मीडिया फील्ड में तो आपको बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, ऑफ बहुत कम मिलते हैं. तो ऑब्वियसली वो चीज़ नहीं मैनेज हो पा रही थी. बट देन आई डिसाइडेड एंड आई वाज लाइक कि ओके, जितनी भी मेरी सेविंग है, जितनी भी चीज़ें हैं मेरे पास, उन सोर्सेज के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. और मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ये कॉन्टेंट क्रिएशन कैसे वर्क करता है, क्योंकि उससे पहले तो सिर्फ माइक पर बोला करती थी. बोलने का तजुर्बा था, बोलने का एक्सपीरियंस था, बट कभी कैमरा फेस नहीं किया था, क्योंकि रेडियो में कैमरा नहीं होता है, वहां माइक होता है, माइक में आपको बोलना होता है. बट देन सब चीजें पूरा स्क्रैच से मैंने सीखा. सो सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम तो ये है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस लाइक गुड 4-5 years का. सो आई डू फ्रीलांसिंग वर्क और मैं उस चीज से थोड़ा बहुत जो है वो अर्न करती हूँ. एंड सेकेंड अगर मैं बताऊं आपको, तो साइड अर्निंग के लिए आई स्टार्टेड ट्रेडिंग. यस, तो रिसेंटली आई डिस्कवर्ड दिस ऐप कॉल्ड बिनोमो, जो कि एक ऑनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है. और इससे जो है मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया. बाय द वे, मुझे ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं था, बट जैसे मैंने बिनोमो के बारे में पढ़ा एंड आई वाज लाइक कि ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई और देखते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी नई चीज को करने के लिए आपको थोड़ा सा लगता है कि कैसा होगा, सेफ होगा, नहीं होगा. बट देन आई वॉज लाइक कि ओके, दिस ऐप इज वेरी ईजी. आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी ईमेल आईडी और एक पासवर्ड बना के साइन अप करना होता है. और उसके बाद करेंसी चूज करनी होती है, और करेंसी चूज करने के बाद आपका ट्रेडिंग जो एक अकाउंट है वो ओपन हो जाता है. और वहां पर आपको मिनिमम जो अमाउंट है वो है 350 रुपीज, विच इज वेरी लो. लाइक आप वहां से ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं. और अगर मैं बिनोमो ऐप की बात बताऊं, तो इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक Amazon, Uber, Flipkart, ये सारे के स्टॉक्स होते हैं. तो आप बस उसमें प्ले कर सकते हो. आपको जो है कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट एक ग्राफ होता है जिसमें आपको प्रिडिक्शन करना है, ग्राफ प्रिडिक्ट करना है. और उस ग्राफ प्रिडिक्ट में आपका जिस तरीके से लग जाएगा, आपका प्रिडिक्शन जो है वो सही होगा, तो 90% प्रॉफिट जो है वो आपको मिलता है इस ऐप पे ट्रेड करने से. तो विच इज आई थिंक अमेजिंग. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग अमाउंट है 3,500 रुपीज़ एंड मैंने अर्न किया है 6,405 रुपीज़ का प्रॉफिट, विच इज अमेजिंग. एंड सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपका जो भी पैसा है वो आपके पेटीएम अकाउंट में डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो, जो कि एक सबसे बहुत बड़ी झंझट वाली चीज़ होती है कि कहाँ पैसा आएगा, उसके बाद विड्रॉ कैसे करेंगे. तो पेटीएम ऐप पे आप डायरेक्टली अपना जो है पैसा वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो. आई थिंक दैट्स ग्रेट, राइट? और अगर मैं आपको बताऊँ कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, तो आप भी अगर नए हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक डेमो अकाउंट पहले ओपन करो. डेमो अकाउंट में आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा, आपको भी समझ में आ जाएगा. और वो भी आपको सजेस्ट करते हैं ऐप में, आपको डेमो अकाउंट में आपको बहुत सारे जो है प्रैक्टिस होगी. और इस तरीके से जो है एक साइड इनकम का सोर्स भी हो जाता है. और ट्रैवलिंग करने के लिए तो ऑब्वियसली यार पैसे की जरूरत होती है. हाँ जी, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही बस शुरू हो जाता है पैसों की रिक्वायरमेंट. तो उसके लिए इस तरीके की अगर साइड इनकम होती है तो
क्या ही कहने, मतलब माशाल्लाह, राइट। एंड एज आई टोल्ड यू कि मिनिमम अमाउंट बिनोमो ऐप में ट्रेडिंग करने के लिए 350 रुपीज, बट अगर आप ये जो नीचे प्रोमो कोड है, ये मेरा प्रोमो कोड है, अगर आप इसे यूज करोगे तो आपको मिल जाएंगे डबल, मतलब कि 700 रुपीज आपको मिल जाएंगे। तो आप ये प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, और उसके साथ साथ सोने पे सुहागा एक ये बात है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसमें एक लिंक है, उस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको आपके रियल अकाउंट पे 73,000 का बोनस मिलेगा। यस, तो इससे अमेजिंग तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जस्ट गो एंड डाउनलोड बिनोमो ऐप और उस पर आप ट्रेड करना शुरू करो, एंड यू विल गेट लाइक ऑब्वियसली आप स्मार्ट तो बनोगे और साथ ही साथ ट्रैवल भी कर पाओगे। आई मीन एक्स्ट्रा अर्निंग किसको पसंद नहीं है यार, सबको पसंद है। वॉट एवर योर फोर्टे, वॉट एवर योर पैशन, आप उस पर जो है खर्च करो, और इस तरीके से साइड अर्निंग करके आप अपनी जो अंदर का पैशन है उसके लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आई मीन खर्च सकते हो। किसी को शॉपिंग का कीड़ा होता है, किसी को घूमने का कीड़ा होता है लाइक मेरी तरह, किसी को फोटोग्राफी का कीड़ा होता है, सबको अलग अलग कीड़े होते हैं यार, उसके लिए बिट पैसे तो सब चीज़ में रिक्वायर्ड होती है। किसी को खाने का कीड़ा होता है लाइक हर दिन बाहर जाके खाना होता है, सो ऑब्वियसली आप अपनी सारी क्रेविंग, सारी भूख मिटा सकते हो। तो दिस इज अबाउट बिनोमो। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट कि और कौन सी चीज है जो कि सोर्स ऑफ इनकम है मेरा। तो ऑब्वियसली आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएटर। आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे भी अर्निंग होती है, ऑब्वियसली हम सबको पता है। और जितना लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, जो एड चलते हैं उनको देखते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो है उसमें से कुछ अमाउंट हमें मिलता है। बट येस, यू अर्न अ सर्टन अमाउंट, आप एडसेंस से अर्न करते हो, आप ब्रांड कोलैबोरेशन से अर्न करते हो, सो इस तरीके से वो एक मेरी अर्निंग का सोर्स है। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे भी आई हैव अ गुड फॉलोअर्स, तो वहां पर भी मैं अपने क्रिएटिविटी, अपनी कंटेंट क्रिएशन को सेल करके वहां से भी मैं अर्निंग करती हूँ। सो इस तरीके से ये एक डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है जहां से आई अर्न एंड आई इन्वेस्ट ऑन माय ट्रैवलिंग, क्योंकि वो मेरा पैशन है। तो ऑब्वियसली मुझे वो एक ये लगता है कि मैं कहीं और नहीं खर्च रही हूँ, मैं अपने पैशन के पीछे ही पैसे लगा रही हूँ। एंड फोर्थ जिसमें कि आता है स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स। नाउ मुझे ये सवाल भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हिमानी आपको स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिलते हैं, आप स्पॉन्सर्ड ट्रिप करते हो, वो कैसे मिलता है? तो ऑब्वियसली मैं जिन्हें जब शुरू किया तब मुझे एक डेढ़ साल तक तो ऐसा कोई था नहीं जो मुझे एक ट्रिप भी स्पॉन्सर करे, बट लेटर देन आई गेट फॉलोअर्स, और फिर धीरे धीरे मेरा काम लोगों ने देखना स्टार्ट किया, तब जो है ब्रांड आपके पास आते हैं, आप ब्रांड को रीच आउट कर सकते हो, और आपका काम अगर आपको लगता है कि यू कैन गिव देम सर्टेन विजिबिलिटी और आप उनको कुछ एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हो, आप उनके लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हो कॉन्टेंट उस ब्रांड के लिए, किसी होटल के लिए, किसी हॉस्पिटैलिटी, किसी कम्युनिटी, किसी ट्रैवल कंपनी के लिए, जैसे मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, तो उस तरीके से आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो, उन्हें एक फॉर्मल मेल लिख सकते हैं, और फिर वहाँ से जो है वो ब्रांड कोलैबोरेशन की बातें शुरू होती है। फिर वो आपको जो बताएंगे कि यस आप हमारे लिए ऐसा करो, आप हमें ये देंगे डिलीवरेबल्स, हम आपको ये देंगे डिलीवरेबल्स, तो कुछ बार्टर होते हैं, बार्टर में आपको वो प्रोडक्ट देते हैं, और जब पेड कोलैबोरेशन होता है तो आपको सर्टेन अमाउंट मिलता है जिसके लिए आपको उनके लिए काम करना है, और वो आपको उस चीज के लिए पे करेंगे, और ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही क्लियर होता है क्योंकि इसमें इनवॉइस बनता है। एक तरीके से बिजनेस रन कर रही हूं, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है थ्रू आउट माई जर्नी, सो यही मेजर सोर्स ऑफ इनकम है जिससे कि मैं अर्न करती हूँ। ओके, सो विद दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर गाइज, और होपफुली आप लोगों का जो डाउट था और जो जितने भी सवाल रहते थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो गए रहेंगे। और अगर फिर भी कोई सवाल है या फिर भी कोई ऐसी अंदर बात है जो आप कहना मतलब पूछना चाहते हो, डू राइट ऑन द इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। और यस, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो होने वाला है ट्रैवल वीडियो, क्योंकि मैं रिसेंटली एक ट्रैक पे गई थी और उसका वीडियो मैं रिलीज करूंगी बहुत ही जल्द। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। विल सी यू विद अनदर वीडियो, टिल देन चाड़ा, बाय बाय, नमस्ते।